हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग का एलिमिनेटर T20 मैच के बारे में। और टाइमिंग की बात किया जाए तो ये जो मैच आपको 7:30 बजे रात को खेला जाएंगे, और ये मैच आपको मुंबई इंडियन वुमेन्स वर्सेज यूपी वॉरियर्स वुमेन के बीच में ये मैच खेला जाएंगे। अगर वेन्यू की बात किया जाए तो डॉक्टर्स डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई इंडिया में होने वाला है भाई। तो ये मैच दोनों टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसमें जो भी टीम जीतेगा भाई वो सीधा फाइनल मैच खेलेंगे दिल्ली वुमेन के साथ, यहाँ पर दिल्ली कैपिटल वुमेन के साथ। तो यहां पर मुंबई इंडियंस वुमेन अगर जीतते हैं तो फाइनल जाएंगे, यूपी वुमेन भी अगर जीतते हैं तो फाइनल जाएंगे। तो दोनों टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। कोई भी टीम यहां पर वीक नहीं, कोई भी टीम यहां पर स्ट्रांग नहीं है भाई, क्योंकि इतना दूर तक आए तो दोनों टीम स्ट्रांग है। यहां पर दोनों टीम को यहां पर जीतना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। एग्जांपल के लिए पिच रिपोर्ट आ गया भाई, इस ग्राउंड पे कितने रन तक बन सकते हैं, पहला बैटिंग करने वाली टीम कितने बार जीते, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम कितने बार जीते, उसके बाद 150 प्लस स्कोर 200 प्लस स्कोर इस ग्राउंड पे कितने बार बन चुके हैं ये भी बताऊंगा। वेन्यू रिपोर्ट, लास्ट 5 मैच में कौन सी टीम यहां पर पहला बैटिंग और सेकंड बैटिंग टीम कितने बार जीते ये भी जानकारी आपको मिलने वाले। इसके साथ साथ दोनों टीम की प्लेइंग 11 और स्टैट्स क्या रहने वाले, बेंच प्लेयर में किसको मौका मिल सकता है, बेंच प्लेयर का स्टैट्स भी आपको मैं शेयर करूंगा। उसके बाद दोनों टीम की फॉर्म क्या है और हेड टू हेड इन दोनों टीम के बीच में कितने बार हुए, लास्ट मैच की परफॉर्मेंस में कौन सा प्लेयर यहां पर सबसे ज्यादा रन बनाया और कौन सा गेंदबाज यहां पर सबसे ज्यादा विकेट है ये भी बताऊंगा। इसके साथ साथ मुंबई इंडियन वुमेन्स और यूपी वॉरियर्स वुमेन के लिए यहां पर अभी तक इस सीजन में कौन सा प्लेयर ज्यादा रन भी बनाया और ज्यादा विकेट कौन सा गेंदबाज यहां पर ये भी जानकारी आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ भाई यहां पर फैंटेसी टॉप पिक्स है ड्रीम इलेवन की ओर से, यहाँ पर कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा पॉइंट्स लें और कौन सा प्लेयर को यहाँ पर पिक करना काफी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग भी टीम आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और स्मॉल लीग ग्रैंड लीग पिक्स भी यहाँ पर आपको मैं पिक करके दिखाऊंगा। तो बस भाई आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है। पहले बार आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पिच रिपोर्ट देख सकते हो भाई, इस ग्राउंड पे काफी मैचेस खेलेंगे लेकिन वुमेन्स आईपीएल 6 मैच हुआ, पहला बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीते हैं। अगर एवरेज स्कोर अगर देखा जाए तो 158 है भाई, और हाईएस्ट स्कोर अगर बात किया जाए तो दिल्ली कैपिटल वुमेन है 211 रन 4 विकेट है। लोएस्ट स्कोर अगर बात किया जाए तो गुजरात जायंट्स वुमेन है 64 रन पे ऑल आउट हो गए, 150 के नीचे स्कोर 2 बार बने, 150-170 2 बार बने, 170-190 तो एक बार भी नहीं बना भाई अभी तक इस सीजन में, और अबव स्कोर 190 190 प्लस स्कोर यहां पर इस ग्राउंड पे 2 बार बने। हाईएस्ट स्कोर यहां पे दिल्ली कैपिटल वुमेन है 211 रन बनाए। अगर यहाँ पर फेस बॉलर स्पिन बॉलर देखा जाए तो लास्ट 10 मैचेस में फेस बॉलर्स यहाँ पर 56 विकेट ने और लास्ट 10 मैच में स्पिन बॉलर्स को यहाँ पर 56 विकेट मिला, तो काफी इंपॉर्टेंट पिक यहाँ पर हम लोग को पता चल गया भाई यहाँ पर पिच रिपोर्ट का। उसके बाद वेन्यू रिपोर्ट पे एक बार ध्यान देते हैं भाई, यहाँ पर वेन्यू रिपोर्ट पे अगर देखा जाए तो एक बार डिटेल से देखिएगा, यहाँ पर जानकारी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो लास्ट मैच खेले भाई इस ग्राउंड पे आरसीबी वुमेन और मुंबई इंडियंस वुमेन के बीच में जो मैच हुआ था, तो मुंबई इंडियंस वुमेन यहाँ पर 4 विकेट से जीते थे। उसके बाद मुंबई इंडियन वुमेन दिल्ली वुमेन के बीच में जो मैच हुआ था, मुंबई इंडियन वुमेन यहाँ पर दिल्ली वुमेन के 9 विकेट से हार गया था भाई यहां पर। तो अब देख सकते हैं यहां पर, उसके बाद मुंबई इंडियन वुमेन यूपी वुमेन के बीच में जो मैच हुआ था यहां पर, तो यूपी वुमेन यहां पर 5 विकेट से जीते थे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी वुमेन आरसीबी वुमेन के बीच में जो मैच हुआ, आरसीबी वुमेन यहाँ पर 5 विकेट से जीते हैं। उसके बाद आरसीबी वुमेन दिल्ली कैपिटल वुमेन के बीच में जो मैच हुआ, यहाँ पर दिल्ली कैपिटल वुमेन यहाँ पर 6 विकेट से जीते। तो आप देख सकते हो ये दोनों मैच भाई यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीते, यहाँ पर भी आपको सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीते भाई, यहाँ पर भी आपको सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीते और यहाँ पर भी सेकंड बैटिंग। लास्ट 5 मैच में अगर इस ग्राउंड पे देखा जाए तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ही जीत रहे। तो टॉस 100% क्रूशियल रहेगा भाई यहाँ पर, जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगा पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेने वाले हैं भाई, ये बात आप जान लीजिएगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग को टीम भी बनाना पड़ेगा। तो फाइनल टीम फर्दर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूं भाई। तो मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक अगर ओपन नहीं होता, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई, फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे। 2800 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके, आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना, ए टू जेड सारे अपडेट्स आपको मैं वहीं पर देने वाला हूं। अब बात करेंगे भाई यहां पर दोनों टीम की प्लेइंग स्टार्ट है। तो ओपनिंग पे आपको यस्तिका भाटिया हाली मैच आएंगे, यस्तिका भाटिया लास्ट मैच में 30 रन बनाए। तो इस सीजन में अगर देखा जाए तो पहला बार वुमेन्स आईपीएल खेल रही हैं और पहला सीजन है, तो यस्तिका भाटिया मेरे हिसाब से अच्छी खेली भाई यहां पर लास्ट मैच में 30 रन 42-44 और यहां पर तीन चार बार प्लस यहां पर 40 रन बना चुके हैं। हाली मैच इस सीजन का सबसे ज्यादा ड्रीम इलेवन पॉइंट्स ली भाई यहां पर, गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी को भी संभाल रही है यहां पर, दोनों ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस इनका, लास्ट मैच में 24 रन 0 विकेट है। अमेलिया खेर की बात किया जाए तो लास्ट मैच में 31 रन 3 विकेट है भाई, यहां पर न्यूजीलैंड प्लेयर है।
लास्ट पांच मैच में अगर देखा जाए तो इनके नाम पे पूरे 9 विकेट है, काफी इंपॉर्टेंट पिक है। नतलजस की बार लास्ट मैच में 13 रन बनाए और 2 विकेट है। अगर लास्ट पांच मैच में देखा जाए तो इनके नाम पे 6 विकेट है। हरमनप्रीत कौर लास्ट मैच में 2 रन बनाए, देन काफी इंपॉर्टेंट पिक है यहाँ पर, क्योंकि ये मैच हरमनप्रीत कौर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई यहाँ पर ये जीतती तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। इसी बंग अगर बात किया जाए तो लास्ट मैच में 2 विकेट ले, अगर ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट पांच मैच में इनके नाम पे पूरे 8 विकेट है भाई यहाँ पर पूरे, उसके बाद अगर देखा जाए 7 विकेट इनके नाम पे। और पूजा वस्त्रकर लास्ट मैच में यहाँ पर गेंदबाजी तो नहीं कर रहे भाई, यहाँ पर 26 रन 19 रन है, एक इंपॉर्टेंट पिक मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं। धारा गुजर यहाँ पर 3 रन बनाई भाई यहाँ पर, हुमैरा काजी लास्ट 3 मैच में देख सकते हैं, यहाँ पर 5 मैच 2 मैच नहीं खेले, 2 रन 4 रन 2 रन है, तो यहाँ पर इनको आप अवॉइड कर सकते हो। अमनजोत कौर लास्ट मैच में 0 रन बना के आउट हो गए, साइका एसक्यू को लास्ट मैच में 1 विकेट मिला। ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट पांच मैच में इनके नाम पे 4 विकेट है, तो एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस है और बाकी 4 मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, लेकिन ओवरऑल सीजन में देखा जाए तो साइका इसको अच्छा जा रही है। तो भाई ये रहा मुंबई इंडियंस वुमेन के प्लेइंग 11, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा बेंच प्लेयर्स पे किसको लेना चाहिए, लेकिन इससे पहले भाई यहाँ पर यूपी वॉरियर्स वुमेन के प्लेइंग 11 और स्टैट सबको देखना। तो एलिसा हेली भाई लास्ट मैच में 36 रन बनाए, T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स अगर ऑस्ट्रेलिया जीते तो इनका रोल 100% अच्छा रहा है भाई यहाँ पर, तो काफी अच्छे फॉर्म में है, यहाँ पर कभी भी मैच को पलट सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की सेमीफाइनल फाइनल ये काफी बार खेल चुके हैं भाई, एलिमिनेटर मैचेस भी ऑस्ट्रेलिया टीम काफी बार खेला, काफी बहुत आसान से एलिमिनेटर जाने की जरूरत नहीं पड़ता, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है बहुत अच्छा खेलेगा भाई यहाँ पर। ग्रास हैरिस लास्ट मैच में 72 रन 0 विकेट है भाई यहाँ पर, उसके बाद ताहिला मेगरत 58 रन है, 2 अर्धशतक है लास्ट पांच मैच में देखा जाए तो इनके नाम पे 3 अर्धशतक है, काफी इंपॉर्टेंट पिक है भाई। दीप्ति शर्मा 3 रन 0 विकेट है लास्ट मैच में, अगर लास्ट पांच मैच में देखा जाए तो इनके नाम पे पूरे यहाँ पर 4 विकेट है भाई यहाँ पर। श्वेता सहरावत यहाँ पर लास्ट मैच में 19 रन है। चोपांड्री यशस्त्री की बात किया जाए तो लास्ट मैच में 1 विकेट है, ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट पांच मैच में 3 विकेट है। परसवी चोपड़ा लास्ट मैच में 0 विकेट है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 7 विकेट है भाई लास्ट पांच मैच में। सबनीम इस्माइल 2 विकेट ली, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके नाम पे 8 विकेट है लास्ट पांच मैच में। सोफी एक्लिस्टोन अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर स्क्रीन पे 0 रन 1 विकेट है, अगर लास्ट पांच मैच में देखा जाए तो इनके नाम पे पूरे 7 विकेट ऑलरेडी है। अंजलि श्रावणी 3 रन कोई विकेट नहीं है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके नाम पे लास्ट पांच मैच में 2 विकेट है। राजेश्वरी गायकवाड 2 विकेट लिए, अगर टोटल किया जाए तो इनके नाम पे आप देख सकते हो 6 विकेट ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी वॉरियर्स की भी प्लेइंग 11 और स्टार्ट हमने देख लिया, आप जानेंगे भाई बेंच प्लेयर। तो मुंबई इंडियंस वुमेन के लिए काफी प्लेयर्स है, तो भाई ये सारे प्लेयर्स के पहले आप स्क्रीन शॉट ले लेना। यहाँ पर मुंबई ने ट्राई ऑन है जिंडीमणि कलिता, नीलंबिस प्रियंका भाला और यहाँ पर एच ग्राहम है, तो भाई ये भी जो भी प्लेयर इसमें प्लेइंग 11 पे नजर आएंगे इनका स्टार्ट मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे भाई यूपी वॉरियर्स वुमेन के लिए, तो यूपी वॉरियर्स वुमेन के लिए आप देख सकते हो किरण नवगेरे, लॉरेन बेल, देविका वाइजा, लक्ष्मी यादव, सिमरान शेख, इसमें कोई भी प्लेयर अगर आपको प्लेइंग 11 पे नजर आएंगे तो आपको मैं स्टार्ट थ्रू टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करेंगे भाई दोनों टीम के बीच हेड टू हेड, अगर दोनों टीम के बीच हेड टू हेड 2 बार हुआ भाई, दोनों में से एक बार मुंबई इंडियंस वुमेन जीते एक बार यूपी वॉरियर्स वुमेन जीते भाई, तो यहाँ पर लास्ट मैच की परफॉर्मेंस में कौन सा प्लेयर बस जब लास्ट मैच यहाँ पर इन दोनों टीम के बीच में हेड टू हेड हुआ कौन सा प्लेयर अच्छा खेले ये भी आप जान सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो मैच हुआ भाई यूपी वॉरियर्स यहाँ पर 5 विकेट से जीत गए थे, तो मुंबई इंडियंस के लिए हाल ही मैचेस 35 रन बनाए और 1 विकेट लिए, 4 ओवर में 26 रन दिए, इसी वंग 32 रन बनाए 1 विकेट भी ले, 2.3 ओवर में 24 रन दे दिए। अमेलिया खेर यहां पर 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिया। नटलजस की ओर 5 रन बनाए और 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट। तो ये रहा भाई मुंबई इंडियंस वुमेन की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस हेड टू हेड में यहां पर आप देख सकते हो। यूपी वुमेन में यहां पर ताहिला मेगरत यहां पर 38 रन बनाए 25 गेंदों पर, ग्रेस हैरिस यहां पर 39 रन 28 बॉल पर, राजेश्वरी गायकवाड 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिया और सोफी एक्लिस्टन 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिया। तो यहाँ पर ताहिला मेगर ग्रेस हैरिस अच्छा खेले, इसके साथ साथ गेंदबाजी में राजेश्वरी गायकवाड़ और सोफी एक्लिस्टन काफी अच्छा खेला भाई। तो ये रहा भाई लास्ट मैच के हेड टू हेड परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर आप दोनों टीम की फॉर्म भी देख सकते हो। लास्ट पांच मैच में मुंबई इंडियंस वुमेन यहाँ पर 2 ही मैच हारे, तो भाई मुंबई इंडियंस वुमेन कंटिन्यू हार के आए नहीं तो यहाँ पर आज फाइनल पे रहती भाई। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर इनको अगर करेक्शन कर लेगी तो फिर सीधा फाइनल पहुंच सकती है। यूपी वुमेन अगर बात किया जाए तो लास्ट पांच मैच में 3 मैच हारे हैं और 2 मैच जीते हैं भाई, यहाँ पर लास्ट मैच हार के आ रहे और मुंबई इंडियंस वुमेन जीत के आ रहा, तो यहाँ पर ज्यादातर ये मैं एडवांटेज नहीं मानूंगा, क्योंकि भाई दोनों टीम अभी काफी स्ट्रांग है, जो भी टीम यहां पर फाइनल जीतेगा भाई वो टीम सीधा फाइनल जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको मैं बताऊंगा दोनों टीम की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस, तो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो भाई यहां पर आरसीबी वुमेन के खिलाफ यहाँ पर मुंबई इंडियंस वुमेन 4 विकेट से जीते थे, तो मुंबई इंडियंस वुमेन्स की ओर से यहाँ पर आपको अमेलिया खेर यहाँ पर 31 रन बनाए 27 गेंदों पर नॉट आउट रहे और 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जस्टिका बाटिया 30 रन 26 बॉल पर बनाए भाई और नटलजस की बार 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिया भाई। उसके बाद ईसी वांग ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिया, तो मुंबई इंडियंस वुमेन्स यहाँ पर लास्ट मैच जीते। यूपी वुमेन और दिल्ली वुमेन के बीच में जो मैच हुआ था भाई, तो दिल्ली वुमेन यही मैच जीत के भाई यहाँ पर सीधा फाइनल अपना रास्ता बना लिया था और ताहिला मेगरत इस मैच में अच्छा पारी खेले, 58 रन नॉट आउट रहे भाई 32 गेंदों पे
अलिजा हेली 36 रन बनाए 34 गेंदों पे। अलिजा हेली ने सबनी मेजबान 3 ओवर में 29 रन देके 2 विकेट लिया। सोफी एक्लिस्टन 4 ओवर में 25 रन देके 1 विकेट लिया। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों टीम की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस हमने देख लिया। आप जानेंगे भाई यहाँ पर हम दोनों टीम का न्यूज। तो अगर मुंबई इंडियंस वुमेन के लिए अगर बात किया जाए तो हरमनप्रीत कौर है इस टीम का कप्तान, सभी को पता है। हाल ही मैच इस सीजन में 332 रन बनाए, हरमनप्रीत कौर 230 रन, नटालिया स्कीवर यहाँ पर 200 रन और यष्टिका भाटिया 189 रन है भाई। उसके बाद विकेट टेकिंग पे अमेलिया खेत 13 विकेट लें, साइका इसको 13 विकेट, हाल ही मैच 12 विकेट, नटालिया स्कीवर 9 विकेट। तो यहाँ पर इस टीम की ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस है भाई। तो ये रहा मुंबई इंडियंस की टीम न्यूज। उसके बाद अगर यूपी वॉरियर्स के लिए बात किया जाए तो अलिजा हेली इस टीम का कप्तान के साथ विकेट कीपर है भाई। ताहिला मैग्रा 295 रन बनाए, अलिजा हेली 32 रन है भाई यहां पर इनके नाम पे, ग्रास हैरिस 216 रन और किरण नाइवगर यहां पर 112 रन बनाए। तो टॉप फोर विकेट टेकर्स में सोफी एक्लिस्टन 14 विकेट, दीप्ति शर्मा 9 विकेट, राजेश्वरी गायकवाड़ 7 विकेट, अंजलि श्रावणी यहां पर 3 विकेट है। तो दोनों टीम की परफॉर्मेंस और यहां पर टीम न्यूज़ देख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे भाई टॉप पिक मुंबई इंडियंस वुमेन के लिए। तो यष्टिका भाटिया इस सीजन में पूरे 8 मैच में 388 ड्रीम 11 पॉइंट्स लिए, 8.5 क्रेडिट है। हाल ही मैचेस 8 मैच में 704 पॉइंट सबसे ज्यादा है भाई यहां पर, 9 की क्रेडिट है। नटालिया सीवर 8 मैच में 610 पॉइंट 9 की क्रेडिट है। हरमनप्रीत कौर 8 मैच में 481 पॉइंट 8.5 क्रेडिट है। अमेलिया खेर यहां पर राइट हैंड बैटर लेक्समिन बॉलर है, 8 मैच में 568 पॉइंट 9 की क्रेडिट है। साइका इसक्यू भी सेम है भाई, 8 मैच में 568 पॉइंट 9 की क्रेडिट है। तो ये 6 प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ड्रीम 11 में सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे रहे हैं। और यूपी वॉरियर्स के लिए बात किया जाए तो अलिजा हेली 8 मैच में 409.9 की क्रेडिट है। ताहिला मैग्रेथ 8 मैच में 516.9 की क्रेडिट है। ग्रास हैरिस 5 ही मैच के लिए 345 पॉइंट 8.5 क्रेडिट है। दीप्ति शर्मा 8 मैच में 399 पॉइंट 9 की क्रेडिट है। सोफी एक्लिस्टन 8 मैच में 580 पॉइंट है 9 की क्रेडिट है। तो भाई ये टॉप पिक है यूपी वुमेन के लिए, तो आप जरूर पिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रैंडली के लिए मैं हरमनप्रीत कौर को यहाँ पर मैं रिस्की पिक के साथ बेस्ट पिक मान रहा हूँ भाई। ये प्लेयर कभी भी मैच को पलट सकते हैं। अलिजा हेली भाई यहाँ पर ये भी प्लेयर, ताहिला मैग्रेथ, दीप्ति शर्मा, ये चारों प्लेयर आपको ग्रैंड लीग के लिए यहां पर काफी अच्छा रहने वाले हैं। अब बात करेंगे भाई स्मॉल लीग टीम और ग्रैंड लीग टीम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अलिजा हेली जो स्मॉल लीग टीम है, अलिजा हेली विकेट कीपर है भाई यहां पर, 3 बल्लेबाज है, हरमनप्रीत कौर, ताहिला मैग्रा, केपी नाविगर है। ऑलराउंडर्स पे यहाँ पर हाल ही मैच नटालिया स्कीवर, दीप्ति शर्मा, अमेलिया खेर है और गेंदबाजी में सोफी एक्लिस्टन, इसी वॉन्ग और साइका इसको। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर साइका अमेलिया खेर मेरा कैप्टन है और वाइस कैप्टन पे नटालिया स्कीवर के साथ जा रहा हूँ। ये मेरा स्मॉल लीग टीम है। और ग्रैंड लीग टीम में अलिजा हेली, अष्टिका भाटिया विकेट कीपिंग है भाई यहाँ पर, बल्लेबाजी पे हरमनप्रीत कौर, ताहिला मैग्रा, अमेलिया खेर है और गेंदबाजी ऑलराउंडर्स में ग्रेस हैरिस, हाल ही मैच और नटालिया स्कीवर, गेंदबाजी में सोफी एक्लिस्टन और यहाँ पर इसी वॉन्ग, इसके साथ साथ साइका इसको। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर हाल ही मैचेस मेरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन पे मैं हरमनप्रीत कौर के साथ जा रहा हूं। तो भाई आप देख सकते हैं यहां पर मेरे दोनों टीम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये मेरा फाइनल टीम नहीं है भाई, फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, पहले इन दोनों टीम को सेव करके रख लेना। फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, वहीं पर आपको सब कुछ अपडेट्स आपको मिलने वाला है। तो भाई मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, इसके साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।